हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ कैट एंड एस्पिरेंट्स आज की इस वीडियो में हम 15% परसेंट ऑल इंडिया कोटा के अंदर राउंड थ्री काउंसिलिंग के लिए वेस्ट बंगाल में कॉलेज वाइज हर एक कैटेगरी के लिए क्लियर वैकेंसी एंड वर्चुअल वैकेंसी के अंदर अवेलेबल वैकेंट सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे यानी कि वेस्ट बंगाल में फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया कोटा के अंदर राउंड थ्री काउंसिलिंग में कॉलेज वाइज जो भी वैकेंसीट्स है उन सभी वैकेंसीट्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा तो सबसे पहले क्लियर वैकेंसी के अंदर अवेलेबल वैकेंसीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे आप सभी को पता होगा कि क्लियर वैकेंसी के अंदर वो सभी सीट्स आते हैं जो सीट्स में कोई भी स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लिया या फिर एडमिशन लेने के बाद सीट स्टैंडर्ड करवा ली ठीक है ना यानी कि जो सीट्स कंप्लीटली वैकेंट है वो सभी सीट्स क्लियर वैकेंसी के अंदर आएगा तो सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता और फॉर्मली नोनस कैलकाटा मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए दो सीट अवेलेबल है क्लियर वैकेंसी के अंदर और किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है इसके बाद आता है एस हॉस्पिटल एस में ओ के लिए वन सीट वैकेंट है एंड ई के लिए बस एक सीट वैकेंट है बाकी कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट आता है नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज जिसे हम फॉर्मली एनआर मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जानते हैं इस मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फोर सीट्स वैकेंट है के लिए थ्री सीट्स ईडब्लू एस के लिए वन सीट्स कंप्लीटली वैकेंट है एंड एस सी के लिए वन सीट्स कंप्लीटली वैकेंट है एंड एस टी के लिए एक सीट्स कंप्लीटली वैकेंट है ठीक है, गाँगा। है, है।, है।, है, तो तो है।, है इसके बाद आता है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज आरजी कौर में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फाइव सीट्स ओ बी सी के लिए फोर सीट्स ई डब्लू एस के लिए थ्री सीट्स एंड एस सी के लिए टू सीट्स वैकेंट है एंड एस टी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट आरजी कौर में वैकेंट नहीं है इसके बाद आता है कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज नेशनल मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए नाइन सीट्स वैकेंट है ओ बी सी के लिए वन सीट ई डब्ल्यू एस के लिए वन सीट एंड एस सी के लिए थ्री सीट एंड एस टी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए टू सीट्स आर कंप्लीटली वैकेंट ओके नेक्स्ट आता है सागरदत्त मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अर्जर्ब कैटेगरी कैंडिडेट के लिए टू सीट्स वैकेंट है बाकी आपको देखने को मिलेगा एस सी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वन सीट्स वैकेंट है बाकी कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं है नेक्स्ट बर्धमान मेडिकल कॉलेज बर्धमान मेडिकल कॉलेज में अर्जर्ब कैटेगरी कैंडिडेट के लिए थ्री सीट्स वैकेंट है ओ बी सी के लिए थ्री सीट्स वैकेंट है एस सी के लिए फाइव सीट्स एंड एस टी के लिए वन सीट इज अवेलेबल ठीक है और ई डब्ल्यू एस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वर्तमान मेडिकल कॉलेज में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है इसके बाद आता है जे एन एम कल्याणी जे एन एम मेडिकल कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए दो सीट्स वैकेंट है एस सी के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है एस टी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वन सीट वैकेंट है ओ बी सी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक सीट वैकेंट है एंड ई डब्ल्यू एस के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है ठीक है नेक्स्ट आता है शॉम्मिलोनी मेडिकल कॉलेज और फॉर्मली नोन एज बांकुरा शॉम्मिलोनी मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए थ्री सीट्स कंप्लीटली वैकेंट है ओ के लिए फाइव सीट्स कम्प्लीटली वैकेंट है एच के लिए फोर सीट्स कम्प्लीटली वैकेंट है एंड एस के लिए वन सीट्स इज कम्प्लीटली वैकेंट बट ई डब्ब्ल्यू एस कटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है नेक्स्ट आता है नॉर्थ बेंगल मेडिकल कॉलेज नॉर्थ बंगल मेडिकल कॉलेज में अंडरसव कैटेगरी कैंडिडेट के लिए थ्री सीट वैकेंट है एस सी कटेगरी कैंडिडेट के लिए दो सीट्स वैकेंट है एच टी कटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है एंड ओ बी कटेगरी कैंडिडेट के लिए टू सीट वैकेंट है बट ई डब्ल्यू एस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है नेक्स्ट आता हाँ है डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज डायमंड हार्बर में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वन सीट वैकेंट है ओ बी सी के लिए एक सीट वैकेंट है बाकी कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है नेक्स्ट आता है बारास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक सीट एंड ओ बी कटागरी कैंडिडेट के लिए बस एक सीट वैकेंट है बाकी कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है इसके बाद आता है मेदीपुर मेडिकल कॉलेज मेदीपुर मेडिकल कॉलेज में कैटेगरी कैंडिडेट के लिए सीट्स मेंटेगरी है एस सी कैटो नहीं है एस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक सीट वैकेंट है एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फोर्थ सीट वैकेंट है एंड कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बस एक सीट वैकेंट है इसके बाद आता है मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में अन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए थ्री सीट्स वैकेंट है ओबीसी के लिए वन सीट एंड ईडब्ल्यूएस के लिए वन सीट बाकी कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है इसके बाद आता है मालदा मेडिकल कॉलेज मालदा में कैटेगरी कैंडिडेट के लिए थ्री सीट वैकेंट है ई डब्ल्यू एस के लिए वन सीट वैकेंट है एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए थ्री सीट्स वैकेंट है बाकी कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं है इसके बाद आता है रामपुर हाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए थ्री सीट्स ओबीसी के लिए वन सीट्स ई के लिए कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं है एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वन सीट एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है इसके बाद आता है शरद चट्टोपाध्याय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वन सीट्स वैकेंट है एस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक सीट वैकेंट है एंड ओ कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक सीट वैकेंट है बाकी कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है इसके बाद आता है रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए टू सीट्स एंड एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वन सीट्स एंड ई कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वन सीट्स एंड ओ के लिए कोई सीट वैकेंट नहीं है एंड एस के लिए भी कोई सीट वैकेंट नहीं है इसके बाद आता है देवेन्द्र महतो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फोर सीट्स वैकेंट है ओ के लिए वन सीट्स ई के लिए वन सीट्स एस के लिए वन सीट एंड एस टी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है इसके बाद आता है प्रफुल्ल चंद्र सेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक सीट बस वैकेंट है और ओ बी सी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कुछ ज़्यादा सीट वैकेंट है फोर सीट आर अवेलेबल बाकी कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है ओके इसके बाद आता है ताम्रोप्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फोर सीट्स वैकेंट है एस सी कटेगरी कैंडिडेट के लिए टू सीट्स वैकेंट है ओ बी सी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वन सीट वैकेंट है बाकी देखो आप कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है इसके बाद आता है एम जी एन मेडिकल कॉलेज कोच बिहार इस कॉलेज में आंडीजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए थ्री सीट्स अवेलेबल है एंड एस सी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है बस ओ बी सी कटेगरी कैंडिडेट के लिए एक सीट अवेलेबल है बाकी ई डब्ल्यू एस एंड एस टी किसी के लिए भी कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं है ठीक है इसके बाद आता है झारग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में आंडिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए जो टोटल वैकेंट सीट है वो है फोर एंड ओ बी सी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए दो सीट वैकेंट है बाकी एस सी कटेगोरी कैंडिडेट के लिए एक सीट एंड एस टी कटेगरी कैंडिडेट के लिए बस एक सीट वैकेंट है बाकी ई डब्ल्यू एस के लिए कोई सीट इस कॉलेज में वैकेंट नहीं है इसके बाद आता है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलपाईगुरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक सीट वैकेंट है बाकी ओ बी सी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक सीट वैकेंट है एंड ई डब्ल्यू एस कैटेटरी कैंडिडेट के लिए एक सीट वैकेंट है और कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मतलब एस सी एंड एस टी के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है इसके बाद आता है ई मेडिकल कॉलेज ए में आपको देखने को मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एक सीट वैकेंट है ईडब्ल्यू के लिए एक सीट ओ के लिए दो सीट एस के लिए दो सीट एंड एस टी कटेगोरी कैंडिडेट के लिए एक सीट वैकेंट है ठीक है अभी अगर हाँ हम लोग क्लियर वैकेंसी के अंदर टोटल सीट को कैलकुलेट करें तो आपको देखने को मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए टोटल सिक्सटी सीट्स आर कंप्लीटली वैकेंट एस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए आपको देखने को मिलेगा ट्वेंटी सीट्स कम्प्लीटली वैकेंट है एस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए नाइन सीट्स कंप्लीटली वैकेंट है ई डब्ल्यू कैटेगरी

अभी डिस्कस कर लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया कोटा के अंदर राउंड राउंड्री काउंसिलिंग में फिजिकली हैंडीकेप्ट जो भी कैंडिडेट होगा उनके लिए कितना सारा सीट्स अवेलेबल है आपको देखने को मिलेगा क्लियर वैकेंसी के अंदर अनरिजर्व पी के लिए दो सीट कंप्लीटली वैकेंट है ओ ब के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है ईडब्ल्यू एस के लिए टू सीट्स आर कंप्लीटली वैकेंट एस सी के लिए टू सीट्स आर कंप्लीटली वैकेंट एंड एस टी के लिए थ्री सीट्स आर कंप्लीटली वैकेंट ठीक है तो चलिए अभी देखते हैं फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया कोटा राउंड थ्री काउंसिलिंग में वेस्ट बंगाल में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उन मेडिकल कॉलेज में वर्चुअल वैकेंसी के अंदर कितना सारा सीट्स वैकेंट है ठीक है एंड आई होप आप सभी को बताए कि वर्चुअल वैकेंसी के अंदर वो सभी सीट्स आएगा जो सीट्स में कोई ना कोई स्टूडेंट्स एडमिशन ले लिया है बट एडमिशन लेने के वक्त वो साफ राउंड काउंसिलिंग अटेंड करने की विलिंगनेस शेयर किया है अगर उस स्टूडेंट को राउंड थ्री काउंसिलिंग में अपग्रेडेशन मिल जाता है तो प्रीवियस एलोवेडेड कॉलेज में जो वैकेंसी क्रिएट होगा वो सभी वैकेंसी वर्चुअल वैकेंसी के अंदर आएगा ठीक है सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता इस कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फोर सीट्स अवेलेबल है ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए सिक्स सीट्स ई के लिए वन सीट्स एंड एससी के लिए थ्री सीट्स एंड एस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए टू सीट्स सर अवेलेबल ठीक है इसके बाद आता है एस एस हॉस्पिटल इस कॉलेज में अनरिजर्व के लिए फाइव सीट्स ओ के लिए फाइव सीट्स ई के लिए वन सीट्स एंड एस के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है एंड एस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है इसके बाद आता है एनआरएस मेडिकल कॉलेज एनआरएस में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए सिक्स सीट्स ओबीसी के लिए टू सीट्स एंड ई के लिए वन सीट्स एंड एस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वन सीट्स आर अवेलेबल अंडर वर्चुअल वैकेंसी एस के लिए कोई भी सीट्स वर्चुअल वैकेंसी में अवेलेबल नहीं है इसके बाद आता है आरजीगढ़ मेडिकल कॉलेज आरजीगढ़ मेडिकल कॉलेज में अन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए सिक्स सीट्स आर अवेलेबल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फोर सीट्स आर अवेलेबल ई के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है एस के लिए टू सीट्स आर अवेलेबल एंड एस के लिए टू सीट्स आर अवेलेबल अंडर वर्चुअल वैकेंसी ओके कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज नेशनल मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फाइव सीट्स एस के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है एस के लिए वन सीट ई के लिए थ्री सीट्स एंड ओ के लिए सेवन सीट्स आर अवेलेबल अंडर वर्चुअल वैकेंसी अभी आते हैं सागर दत्तो मेडिकल कॉलेज सागर दत्त में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए सिक्स सीट्स एस के लिए वन सीट्स एस के लिए टू सीट्स ओ के लिए थ्री सीट्स एंड ई के लिए टू सीट्स आर अवेलेबल अंडर वर्चुअल वैकेंसी ठीक है नेक्स्ट इज बर्धन मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एट सीट्स ओबीसी के लिए फाइव सीट्स ई के लिए टू सीट्स एंड एस सी के लिए कोई भी सीट्स मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल नहीं है इसके बाद आता है जेन एम हॉस्पिटल कल्लानी इस कॉलेज में अनिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फोर सीट्स एस के लिए वन सीट्स एस के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है एंड ओबीसी के लिए फाइव सीट्स एंड ईड्ल्यू एस कैंडिडेट के लिए टू सीट्स आर अवेलेबल अंडर वर्चुअल वैकेंसी इसके बाद आता है बाकड़ा शामिलोड़ मेडिकल कॉलेज शम्बे मेडिकल कॉलेज मेंटगेगरी कैंडिडेट के लिए सेवन सीट्स ओबीसी के लिए टू सीट्स ईडब्ल्यू के लिए वन सीट्स एंड एस के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है एंड के लिए वन सीट्स आर अवेलेबल ठीक है अभी आते हैं नॉर्थ बेंगल मेडिकल कॉलेज कॉलेज नॉर्थ मेडिकल में एससी के लिए कोई भी के लिए कोई भी भी अवेलेबल अवेलेबल नहीं नहीं है है के के लिए लिए सिक्स सीट्स एंड ईड्ल्यूस के लिए थ्री सीट्स आर अवेलेबल इसके बाद आता है डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फोर सीट्स ओबीसी के लिए टू सीट्स एससी के लिए वन सीट्स एंड एस के लिए वन सीट्स एंड ईड्ल्यू कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वन सीट्स आर अवेलेबल अंडर वर्चुअल वैकेंसी इसके बाद आता है बाराशत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फाइव सीट्स ई डब्ल्यू एस के लिए टू सीट्स ओ बी सी के लिए वन सीट्स एंड एसी के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है एंड एस टी कटेगरी कैंडिडिट के लिए वन सीट सर अवेलेबल इसके बाद आता है मेदीपुर मेडिकल कॉलेज मेदीपुर मेडिकल कॉलेज में रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए सेवन सीट्स ओ बी सी के लिए फाइव सीट्स ई डब्ल्यू एस के लिए थ्री सीट्स ए सी के लिए फोर सीट्स एंड एस टी कटेगरी कैंडिडेट के लिए वन सीट्स अवेलेबल है इसके बाद आता है मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फोर सीट्स ओबीसी के लिए वन सीट्स ई के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है एसटी के लिए वन सीट्स एंड एस सी कटेगरी कैंडिडेट के लिए थ्री सीट्स आर कंप्लीटली अवेलेबल अंडर वर्चुअल वैकेंसी इसके बाद आता है माल्दा मेडिकल कॉलेज माल्दा मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फोर सीट्स ओबीसी के लिए टू सीट्स एस के लिए टू सीट्स एंड ई के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है एंड एस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वन सीट्स अवेलेबल है ठीक है इसके बाद आता है रामपुर मेडिकल कॉलेज रामपुर में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए दो सीट्स एस के लिए टू सीट्स ओबीसी के लिए थ्री सीट्स एंड ईडब्ल्यूस के लिए वन सीट्स सर अवेलेबल बट एस टी कटेगरी कैंडिडेड के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है इसके बाद आता है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अंडर्जर्व कैटरी कैंडिडेट के लिए थ्री सीट्स ओबीसी के लिए टू सीट्स एस सी के लिए वन सीट्स एंड ई डब्ल्यूस के लिए टू सीट सर कंप्लीटली अवेलेबल अंडर वर्चुअल वैकेंसी बट एस टी के लिए वर्चुअल वैकेंसी में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है इसके बाद आता है रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अंडरव कैटेगरी कैंडिडेट के लिए टू सीट्स ओबीसी के लिए फोर सीट्स एंड ई डब्ल्यूस के लिए कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं है एस सी के लिए वन सीट्स एंड एस टी के लिए वन कम completely available under virtual vacancy इसके बाद आता है देवन महतो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अनिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए टू सीट्स ओबीसी के लिए टू सीट्स एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक सीट्स अवेलेबल है बट ईडब्ल्यूएस एंड एस, एस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट्स वर्चुअल वैकेंसी के अंदर अवेलेबल नहीं है ठीक है अभी आता है प्रफुल्ल चंद्र सेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस कॉलेज में अंडिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए फोर सीट्स अवेलेबल है एंड ओबीसी के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है ईडब्ल्यूएस के लिए टू सीट्स एससी के लिए टू सीट्स एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वन सीट सर अवेलेबल अंडर वर्चुअल वैकेंसी इसके बाद आता है ताम्रुलिपिप्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में

ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए थ्री सीट्स आर कंप्लीटली अवेलेबल अंडर वर्चुअल ठीक है तो चलिए अभी देखते हैं कि वेस्ट बंगल में टोटल वर्चुअल वैकेंसी कितना सारा है फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया को अनरिजर्व कटेगरी कैंडिडेट के लिए वन हंड्रेड एंड फोर्टीन सीट्स आर अवेलेबल ओबीसी कटेगरी कैंडिडेट के लिए सेवेंटी सिक्स सीट्स आर अवेलेबल ईडब्लू एस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए टोटल थर्टी सीट्स अवेलेबल एंड एस सी कटेगरी कैंडिडेट के लिए टोटल ट्वेंटी नाइन सीट्स अवेलेबल एंड एस टी कटेगरी कैंडिडेट के लिए टोटल नाइनटीन सीट्स आर अवेलेबल अंडर वर्चुअल वैकेंसी चलिए अभी देखते हैं कि पी डी कैंडिडेट्स के लिए वेस्ट बंगाल में फिफ्टी परसेंट ऑल इंडिया कोटा राउंड थ्री काउंसिलिंग में कितना सारा सीट्स अवेलेबल है सबसे पहले देखते हैं अनरिजर्व पीएच के लिए अनरिजर्व पी एच के लिए टोटल फोर सीट्स आर अवेलेबल अंडर वर्चुअल वैकेंसी ओ बी सी पी एच के लिए टोटल सेवन सीट्स आर अवेलेबल ई डब्लू एस पी एच के लिए वन सीट्स अवेलेबल अंडर वर्चुअल वैकेंसी एच सी पी एच एंड एच टी पी एच के लिए कोई भी सीट्स वर्चुअल वैकेंसी के अंदर अवेलेबल नहीं है ठीक है सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मैं हर एक कमेंट का अलग अलग से आंसर दे दूंगा ठीक है